हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे झारखंड में बेरोजगारी के कारण युवा यहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, इसके लिए चुनते हैं हैदराबाद, केरला, बेंगलोर, ओडिशा, बॉम्बे, दिल्ली, तो इसके अलावा कहीं दूसरे दूसरे जगहों में भी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। तो इन्हीं में से कुछ युवा जो हैं हमारे पाकुड़ ज़िले के इलाहाबाद गए हुए थे, वो इलाहाबाद से घर वापस आ रहे थे। 5 युवा एक साथ थे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे वो लोग आए थे, ट्रेन पे चढ़े थे। उसके बाद 2 जगहों पे उन लोगों की सीट थी, 5 युवा थे, 2 जगहों पे सीट थी। एक जगह पे 3 लड़के थे और दूसरी जगह पे 2 लड़के थे। जो 2 लड़के थे उनमें से एक गायब हैं, जो सीधा सादा और सिंपल लड़का है वही लापता है। उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी इस वक्त जो हैं दुख के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें बताएं। उनके परिजनों से, उनके भाई से मेरी बात हुई, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और आप जितने भी यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सहायता मांगा है उन लोगों ने कि आप उनकी थोड़ी सी भी सहायता करें उनके बच्चों को ढूंढने में। तो आइए मैं उस लड़के की पूरी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से पहचान सकें, फिर उसके परिजनों के चेहरे पे मुस्कान लाने की एक वजह बन सके। तो आइए थोड़ा मैं आपको उनका डिटेल्स दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, उनका नाम है अजफारुल शेख, लड़के का जो लापता है, और उम्र 25 साल, जो कि सीधा साधा लड़का है। आप उम्र देख के ये अंदाज़ा मत लगाइए कि बहुत बड़ा लड़का है, कुछ भी नहीं होगा, सीधा साधा होगा, कहीं भी चला जा सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता इस वक्त। पिता सैरुल शेख, और ग्राम कुमारपुर टोला रानीपुर, पोस्ट संग्रामपुर, थाना ज़िला पाकुड़, झारखंड, पिन नंबर 81617, दिनांक 10 दिसंबर 2023, दिन रविवार, से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से भरहरवा रेलवे स्टेशन के बीच से लापता है। अगर किसी भाई बहन को दिखाई दे तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो आपको बता दें कि ये जो नंबर है, आपको मैं बता दूं, 6204859575, और एक दूसरा नंबर है 9835538133। तो दिए गए नंबर पर कृपया आप उनकी खबर अगर कहीं भी आपको मिले, कहीं दिखाई दे, तो तुरंत इस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और उनके परिजनों के चेहरे पे आप प्लीज़ मुस्कान बनने की एक वजह बनिए। अगर आप एक भाई हैं तो भाई का दर्द आप समझ सकते हैं, अगर आप एक बाप हैं तो बेटे के खो जाने का दर्द आप समझ सकते हैं। बहरहाल समझदार आप हैं कि इस वक्त किस तरह से हमको उसके परिजनों की और उस लड़के की सहायता करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस लड़के को किसी भी हाल में ढूंढा जा सके। धन्यवाद।